दोस्तों न्यूज़ जो न्यूज़ देश की हर जनता देखती है कि आपकी घर की परिवार की भी हर सदस्य न्यूज़ देखती है। सो आज मैं इनसाइड न्यूज़ चैनल के कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जिससे देखने के बाद आपकी न्यूज़ चैनल के ऊपर भरोसा एकदम टूट जाएगी। दोस्तों जब से बॉर्डर में हमारा 20 जवान शहीद हुए हैं तब से देश की जनता चीनी सामान को बॉयकॉट कर रही है। तब से ही हमारे देश की जो न्यूज़ चैनल है इस टॉपिक को ट्रेंडिंग बना के अपने न्यूज़ चैनल में पेश कर रही है। तो तभी ऐसे ही DNA नाम की एक शो आती है जी न्यूज़ पर जो सुधीर चौधरी होस्ट करती है। उस न्यूज़ को सुधीर चौधरी अपने शो का टैगलाइन बॉयकॉट चाइना लिख के और उसी शो का स्पॉन्सर है लेनोवो जो एक चाइनीज कंपनी है। तो किस तरह से आपकी जो ब्रेन वॉश किया जा रही है आप समझ सकते हो कि उस शो का जो स्पॉन्सर है वो है लेनोवो जो चाइनीज कंपनी है और उसी शो में कहा जा रहा है कि आप चीनी सामान को बॉयकॉट कीजिए। तो यहाँ पर नहीं, रिपब्लिक टीवी अर्णब गोस्वामी की शो में भी वीवो कंपनी जो एक चाइनीज कंपनी है वही कंपनी उस शो को पैसा दे रही है उस शो को करने के लिए और उसी शो में कहा जा रहा है कि चीनी सामान बॉयकॉट करो। और हम क्या कर रहे हैं, हम दोस्त टिकटॉक नहीं डील कर रही इसके वजह से उसको दोस्ती तोड़ रहे हैं और हमारे देश का मीडिया क्या बताऊं दोस्तों ऐसे मीडिया की ना आपकी चिंता है ना देश की चिंता है, ना 20 जवान शहीद हुए हैं उनकी चिंता है, उनको सब दिखता है पैसा। पैसा जहाँ से भी आए, कोई चाइनीज कंपनी हो कि कोई मंत्री हो, कोई भी थे कुछ भी खबर पेपर छापने के लिए तैयार रहे। हमारे देश की मीडिया किस तरह से बिक चुकी है और झूठी खबर फैला रही है और किस तरह से जो पैसे के लिए कितना नीचे गिर सकती है और TRP के लिए किस तरह से टैगलाइन बना के अपने शो में चला सकती है, दोस्तों आप इसका नमूना देख सकते हो। मैं ठोस कदम के साथ ठोस सबूत के साथ इस वीडियो को पेश कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर जरूर करना। और आप अगर चाहते हैं इस टॉपिक को और भी आगे बढ़ाने के लिए तो मेरे फेसबुक पेज में जाइए, मैं इसके बारे में एक पोस्ट किया हूँ, उस पोस्ट पर जाके शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें क्योंकि मुद्दा हमको उठाना पड़े, देश में जो गद्दार बैठे हैं इनको देश से हटाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।